अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, ईद मुबारक टू एवरी वन ऑफ़ यू। आई होप ऑल ऑफ़ यू हैव सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल विद लॉट्स ऑफ फर्वर। अब ईद का फेस्टिवल के सेलिब्रेशन के बाद आइए एग्जामिनेशंस को सेलिब्रेट करते हैं। लेट अस स्टार्ट सेलिब्रेटिंग आवर एग्जामिनेशंस जो स्केड्यूल किए गए हैं 8th of June 2020 से। तो आपके पास स्केड्यूल ऑलरेडी आ चुका है। एवरी पेपर के बाद देर इज़ अ गैप ऑफ 2 डेज, माने 8th को फर्स्ट एग्जाम है, 9th और 10th को एग्जाम नहीं है, फिर 11th को एग्जाम है, फिर 12th एंड 13th को नहीं है, 14th को एग्जाम है। माने हर पेपर से पहले आपके पास 2 डेज ऑफ प्रिपरेशन टाइम है। अब ये एक मौका है, और जैसा शायर ने कहा है, जो मौका पा के खोएगा वो अशकों से मुँह धोएगा। सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस प्रिपरेशन टाइम विच हैज़ बीन गिवन टू यू। आपके पास जो ये प्रिपरेशन टाइम है, ये प्रिपरेशन टाइम को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। ये बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आप सब के लिए अपने प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने की और SSC पब्लिक एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से लिखने की। तो ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रैटेजी क्या होगी। कल यानी 28th ऑफ मे, 29th, 30th, 31st, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये हमारा सेशन 1 रहेगा। ये 9 डेज हमारा एक सेशन रहेगा। 6th और 7th को इंक्लूड इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि 6th और 7th विल कम अंडर द सेशन 2, जहाँ पे एग्ज़ाम से 2 दिन पहले का प्रिपरेशन आपको क्या करना है, क्योंकि हर पेपर से पहले 2 डेज का टाइम मिल रहा है आपको। तो 6th एंड 7th विल फॉल अंडर प्रिपरेशन फॉर सेशन 2 इन इंग्लिश पेपर 1, ठीक है। तो 28th से लेके 5th तक का हमारा एक प्लान रहेगा। फिर हर एग्ज़ाम से पहले जो 2 दिन का टाइम मिल रहा है उसमें आपको क्या प्रिपेयर करना है वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, 28th के दिन सोशल स्टडीज़ पेपर 1, 29th सोशल स्टडीज़ पेपर 2, 30th फिजिकल साइंसेस, 31st बायोलॉजिकल साइंसेस, 1st, 2nd, 3rd, 4th 4 डेज ऑफ मैथमेटिक्स, 5th इंग्लिश पेपर 2, 6th एंड 7th वापस आपका सेशन 2 में चले जा रहे हैं, जहाँ पर आप एग्ज़ाम से 2 दिन पहले क्या प्रिपेयर करना है वो आप देख रहे हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ फोकस करिएगा। बहुत इंटरेस्टिंगली ये स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट किया गया है। वो चैप्टर्स जो आपके टीचर्स फील करते हैं कि आपको इसमें ज़्यादा प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है, वो चैप्टर्स को हम ये सेशन 1 में यानी 28 से लेके जो 5th तक हमारा सेशन रहेगा उसमें हम कवर करेंगे। और प्रिपरेशन का मॉडस ऑपरेंडी यानी किस तरीके से हम प्रिपरेशन करेंगे उसका प्लान क्या है, एवरी डे वील बी गिविंग यू 1 वीडियो 50 to 55 मिनट्स। वो वीडियो आपको बताएगा कि आपको ये पर्टिकुलर चैप्टर्स में ये कॉन्सेप्ट्स में अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपके पास असाइनमेंट रहेगा, आपको याद करने का पूरा कॉन्टेंट रहेगा, आपको वो पूरा कॉन्टेंट देखना है, पढ़ना है और अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना बेटा। इसको आप अपॉर्चुनिटी की तरह देखिएगा, ये जो आपको टाइम मिल रहा है ना, इसको आप अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। वो लोग जिन्होंने साल भर खूब मेहनत की है, आप देखिएगा, अगर खुदा ना खास्ता आप अब इफ़ यू फॉल बैक, आपकी साल भर की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। सो प्लीज़, जिन्होंने साल भर मेहनत की है, स्पेसिफिकली वर्क रियली वेरी वेरी हार्ड, इसको अपॉर्चुनिटी जानो, गनीमत जानो। आपको अच्छे से प्रिपेयर होने का बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है एवरीवन। और जिन्होंने कसर बाकी रखी थी, जिन्होंने प्रिपेयर नहीं किया था, ये समझो कि अल्लाह की तरफ से आपको मौका मिला है। 2 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन और ये 9 डेज काफ़ी हैं एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, 2 डेज बिफोर एग्जामिनेशंस एंड दीज 9 डेज आर इनफ टू क्रैक योर एग्जामिनेशन। वर्क वेरी वेरी हार्ड, आई एम टेलिंग यू, वर्क वेरी वेरी हार्ड, ओके। तो इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखिएगा। एंटायर प्रिपरेशन प्लान हैज़ बीन कम्युनिकेटेड, आपको मॉर्निंग में एक वीडियो आएगा। प्लीज़ बी इन लाइन विद आर प्रिपरेशन। ध्यान से जो भी वीडियो है उसको देखिएगा और जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसको फॉलो करिएगा प्लीज़, ओके। आई एम श्योर SSC एग्जामिनेशंस विल बी अ ह्यूज मॉरल बूस्टर, और ये ऐसे एग्जामिनेशंस है जो आपको ताउम्र याद रहेंगे कि हमारे टाइम पे SSC एग्जामिनेशंस की हालत ऐसी थी, पोस्टपोन होते 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 फाइनली वी हैव गॉट द डेट, ओके। यू हैव टू डू अस प्राउड, ओके। Lots and lots of hope, lots and lots of expectations, and I'm sure my students are definitely going to make me proud, inshallah ta'ala. Allah ta'ala aapko achhe akhlaq, achhe kirdar, sehat aur afiyat se nawaze, aur Allah rabbul izzat aapko duniya aur aakhirat mein kamyabi ata kare, aapko apne walidain ke chehre ki muskurahat ki wajah banaye, apne walidain ki aankhon ki thandak banaye. Aap sabse duaon ki guzarish karte hue, thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.